राम राम साहब, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे। बिल्कुल सारा साथी मस्त सोला, तंदुरुस्त सोला, इसी आशा और उम्मीद के सागे आप इस सेशन की शुरुआत करांगा। इस सेशन के भाई आप आज पढ़ांगा राजस्थान के जन जन के प्रिय लोक देवता, और राजस्थान के नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोक देवता राम सपेत यानी रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य। उस तेरह ताली नृत्य की प्यार साथी पूरी चर्चा हम अपने इस छोटे से सेशन के अंदर करेंगे। तो इस 5-7 मिनट के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और प्यारे साथियों सेशन को लाइक करना ना भूले, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना। साथ ही सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आप जरूर बताया करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल लहर क्लासेज ऑफिशियल पर आप जरूर जरूर जुड़ जाइएगा। प्यारे साथियों सबसे पहले आप सभी राजस्थान की वस्तुनिष्ठ की जो बुक है इस बुक को आप देख लेना, तैयारी कर लो, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और बीएसटीसी की बुक भी तैयारी कर लो, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, घर बैठे आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। सबसे पहले तेरह ताली नृत्य के बारे में चर्चा करें। सर तेरह ताली नृत्य रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर का प्रसिद्ध है, डीडवाड़ा कुचामन का भी प्रसिद्ध है, इन सब के अलावा सर पदरला पाली का भी ये नृत्य आपके प्रसिद्ध है, ठीक है ना, क्योंकि अभी उद्गम में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहां से होता है प्यारे साथियों, तो इसका उद्गम जो है वो आपके जरूर जरूर ध्यान रखना, कहां से माना जाता है सर पदरला से माना जाता है, और पदरला कहां पर पड़ता है सर पाली में पड़ता है, ठीक है। रामदेव जी की आराधना में ये आपके किया जाता है विशेष रूप से। तो हम बात करें राम सपीर, वही राम सपीर जिनका जन्म कभी 1405 विक्रमी संवत या फिर 1409 विक्रमी संवत आपके उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील जिला बाड़मेर में प्यारे साथियों जिनका जन्म होता है, जहां पर आजकल ठरको चाल रहे है, हाँ बठे का राम सपीर है, तो ये रामदेव जी का जन्म उसी प्रांत में आपके माना जाता है। अजमाल जी इनके पिता का नाम था, माता का नाम मैणादे था, पत्नी नेतल था, आपने वो भजन तो सुना ही होगा है ना, खम्मा खम्मा हो मारे रूणी चेरा धनिया, थाने तो धावे अठे मारे वाड़े वो अठे गुजरात वो अजे माल जीरा कमेरा, सुना है, अजे माल जीरा कमरा थे तो मेड़ा देरा लाल रानी नेतलरा बरतारे मारो हेलो ओ मारो हेलो सुनो नीरा मापीर, सुना है, बिल्कुल सुना होगा। सर ये नृत्य लोक देवता रामदेव जी व लोक देवी हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है। हिंगलाज माता जिनकी बात करें प्यारे साथियों, जो चरम रोग स्पेशलिस्ट देवी के रूप में आपकी जानी जाती है, जिनका मूल मंदिर जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में देवी का आपके भव्य मंदिर बना हुआ है, और राजस्थान का एक किला है आमेर का किला, उस आमेर किले में शीला देवी के मंदिर के पास में भी एक छोटी सी मूर्ति हिंगलाज माता की लगी हुई है। नृत्य के दौरान 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 9 मंजीरे आपके पांव में बांधे जाते हैं और 4 मंजीरे हाथों में बांधे जाते हैं। सर इसमें सहायक वाद्य यंत्र जो होता है वो तंदूरा व रावण हत्ता होता है, और ये जो नृत्य प्रसिद्ध कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य में घरेलू कार्यों का प्रदर्शन होता है। घरेलू कार्यों का प्रदर्शन होता है मतलब सर आपके घर में जो कार्य होते हैं, जैसे चूल्हे चौके का कार्य, रोटी बनाने का, झाड़ू निकालने का, छाले से कुछ चीजें अपसाप करने का, ऐसे कुछ दृश्यों का आपके इसमें क्या है वर्णन किया जाता है। सर कामड़िया पंथ की एक पंचायत है भेव पंचायत, इस भेव पंचायत ने इस नृत्य पर क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। सर तेरह ताली नृत्य का उद्गम पदरला पाली से माना जाता है, और सर इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है मांगी बाई को माना जाता है। सर मांगी बाई जो है उनका जन्म स्थल बनीना चित्तौड़गढ़ माना जाता है, और इनका ससुराल पदरला पाली में था, इनके पति का नाम भैरवदास जी था, और इनके गुरुजी या इनके जेठ का नाम गोरमदास जी था, यानी इनके जेठ ही इनके क्या थे, गुरुजी हुआ करते थे। मांगी बाई एक दिन गाड़िया लोहार सम्मेलन था प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ में, वहां पर आपकी भाग लेने के लिए जाती है, और वहां पर आपके मुख्य अतिथि के रूप में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां पर आपके पहुंचे हुए थे, और नेहरू जी ने मांगी बाई को आपकी ख्याति दिलाई थी। अर्थात यहां पर एक लाइन लिखी हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी मांगी बाई को क्या दिलाई, इस नृत्य को ख्याति दिलाने का कार्य किया था। मांगी बाई का नृत्य जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा पसंद आया, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का कार्य किया था। अगला तेरह ताली नृत्य के जो अन्य नृत्यकार है उनमें नारायणी देवी है, मोहिनी देवी है, फुलमा देवी है, शांति देवी है, ये कुछ महत्वपूर्ण नृत्यकारों का नाम आता है, और इस नृत्य हेतु जो पुरुष कलाकार के रूप में जो है वो लक्ष्मण दास कामड़, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लक्ष्मण दास कामड़ जो है वो बड़े ख्याति प्राप्त आपके व्यक्तित्व माने जाते हैं। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा विशेष रूप से इस नृत्य को किया जाता है। और साथ ही प्यारे साथियों आप सभी को एक और सूचना दे दूं कि शाम को 7 बजे, कितने बजे, शाम को 7 बजे लहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्यारे साथियों रणभूमि सीरीज में हम आप सभी साथियों के साथ मुलाकात करते हैं, और इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान होता है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, इन विषयों के ऊपर प्यारे साथियों हम चर्चा करते हैं, और सभी तीनों विषयों के 10-10-10 क्वेश्चन हम करते हैं। आप सभी साथी यहाँ पर शाम को 7 बजे मेरे साथ जरूर पधारा करें, और साथ ही ये चतुर्वेदी टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को धार लगाने के लिए प्यारे साथियों
कंप्लीट राजस्थान जीके के टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में, तैयारी कर लो, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आज ही आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे साथियों हम बात करें इन दो बुकों की जो कि राजस्थान की सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से एक है, और राजस्थान वस्तुनिष्ठ प्यारे साथियों अपनी तैयारी को जांचने के लिए, अपनी तैयारी को और दुरुस्त करने के लिए इस बुक को आज ही घर बैठे मंगवा सकते हैं। बीएसटीसी वाले साथी इस बुक को जरूर जरूर देखे लेना। फिर मिलते हैं प्यारे साथियों एक और बेहतरीन सेशन में, एक छोटे से एपिसोड में। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर जरूर दिया करें। राम राम साहब, खम्मा गणी, जय सियाराम, राधे राधे।